मेरा मन है मैं सब कुछ कवर करूं, बट ना एक्चुअल में होता है ऐसा कि जैसा जैसा ठंड बढ़ती है तो फ़ोन की बैटरी ने एकदम उल्टी गिनती स्टार्ट कर देती है और फटाफट पावर चला जाता है। तो मैं ट्राई कर रही हूँ सब कुछ कवर करने का, बट वो शायद पॉसिबल नहीं होगा। जैसे इंडिया के कोलकाता में ट्रेन चलती है रोड में, सेम यहाँ पे भी वही ट्राम है और यहाँ से चलती हुई पूरा सिटी होते हुए कवर करते हुए निकलती है। तो मुझे चलते चलते यहाँ पे मिला है इंडियन कश्मीरी कुजीन। ओह नाइस, यहाँ खाना खा सकते हैं। तो ये हमारा डेस्टिनेशन यूनिवर्सिटी ऑफ प्रेफरेंस, फोर्थ फोर्थ पे हमें आना था। और ये है, मैं आपको दिखाती हूँ क्लोज अप। क्रीपर प्लांट है, यहाँ से स्टार्ट होके गया है पूरा पूरी बिल्डिंग पे। यहाँ पे एकदम इतना प्यारा स्टारबक्स मैंने लाइफ में नहीं देखा। क्यों डा मारते मारते यहाँ पे क्या है ना, यहाँ के मौसम बहुत अनप्रडिक्टेबल है, मतलब कभी भी बारिश शुरू हो जाएगी कभी भी। और अभी फिर से बारिश स्टार्ट हो गई है तो मुझे फिर से अपनी जगह चेंज करके कहीं और जाना पड़ेगा। तो वही है, अगर कोई चीज़ अच्छी है सुंदर है तो उसके साथ साथ कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स तो होते हैं। और जस्ट बारिश ख़त्म होने के बाद मौसम और ज़्यादा सुंदर हो जाता है, एकदम सब कुछ रिफ्रेश। यहाँ पे एक चीज़ बड़ी अच्छी है, मतलब लोग ना बहुत एक्टिव रहते हैं, मतलब चलना ना यहाँ पे लोग गाड़ी बहुत कम करते हैं। और इतना तो मतलब हम लोग इंडिया में पूरे महीने में नहीं चलते हैं जितना लोग यहाँ पे एक दिन में चलते हैं, और उनका टारगेट होता है कि यार इतना तो चलना ही है। का नाम बोबो रखा था और ये मिली मुझे मेरी बोबो। वापस इधर थक चुके हैं बहुत ज़्यादा, मतलब इतना चल लिया ना कोई लिमिट ही नहीं है।